हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टॉर्च बियरर कॉमर्स क्लासेस। एंड जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लेके आए हैं ऑडिटिंग के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के बारे में। तो ये इंट्रोडक्शन है ऑडिटिंग का, जो हम पढ़ते हैं कि ऑडिटिंग कहाँ से आया, क्या शुरुआत हुई, और इसी के बारे में हम देखते हैं स्लाइड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑडिट है वो लैटिन लैंग्वेज से है, लैटिन लैंग्वेज के ऑडिरे शब्द से आया है, ऑडिरे वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू हियर, यानी कि सुनना होता था, वहाँ से ये ऑडिट वर्ड आया है। और फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ ये यूनान में हुआ, उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ इंग्लैंड में, जहाँ की स्टेचुरी ऑडिट जो है स्टेटरी ऑडिट जो है कंपलसरी कर दिया गया इंग्लैंड में 1844 में। ओके, एंड इंडिया में हम देखें तो अंडर कंपनीज एक्ट 1913 में जो ऑडिट है वो पब्लिक कंपनी के लिए स्टार्ट किया गया। ये जो कंपनी एक्ट है, सबसे पहले कंपनी एक्ट आया था 1913 में, उसके बाद रिफॉर्म्स किए गए हैं उसमें अलग अलग। तो वहीं पे कंपनीज एक्ट 1913 के अंतर्गत जो पब्लिक कंपनी है उसमें स्टार्ट किया गया कि ऑडिट जो है पब्लिक कंपनी का होना चाहिए। उसके बाद 1949 में जब इंट्रोड्यूस हुआ ICI, जिसकी फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कई बार आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप इनको भी थोड़ा बहुत रीड आउट अच्छे से करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज करने के इन आई से जो इंस्टीट्यूट को पहले दे दिया या इंडिया को पहले दे दिया, इस तरह के जो आपके बेसिकली नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। अंडर द चार्टर्ड अकाउंट एक्ट तो 1949 में ये इंट्रोड्यूस हुआ ICAI, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद 1977 में जो ये काउंसिल बनी है, काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स IFAC, जिसका काम था कि अकाउंट्स को किस तरह से मैंडेट, उसके लिए स्टैंडर्ड बनाना, इस तरह से काउंसिल बनाई गई। तो ये जो काउंसिल है ये भी आप फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार UGC NET ने क्वेश्चन पूछा इसका, IFAC का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्योंकि इसमें काउंसिल पहले है तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है इसलिए। ओके, देन 1982 में AASB इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि एक बोर्ड बनाया गया ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। अब कोई भी स्टैंडर्ड बोर्ड बनता है उसमें स्टैंडर्ड निर्धारित किस लिए किए जाते हैं, ताकि है ना यूनिफॉर्मिटी रहे, कि एक जैसे हम बना सके। अब सबका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग तरीका है, क्यों ना ऐसा स्टैंडर्ड बना दिए जाएँ कि सभी में यूनिफॉर्मिटी रहे। और उसके बाद स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग और उनका रिव्यू करने के लिए ये जो बोर्ड है, इसके ये ऑब्जेक्टिव थे। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया AAS, यानी कि ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ऑडिटिंग का मीनिंग है। जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, ऑडिट का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली ऑडिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम देखें कि ऑडिट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसका क्या करना, वेरिफिकेशन किसके आधार पे, वेरीफाई करना, जो भी बिल्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, उनके आधार पे, जो भी उनके प्रूफ हैं उसके आधार पे वेरीफाई करना, डिटरमिनिंग करना एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, कि वो जो स्टेटमेंट दिखा रहे हैं वो ट्रू फेयर है कि नहीं, ये क्या है, ऑडिट कहलाता है। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका वेरिफिकेशन करना और ये निर्धारण करना कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, और वो जो लिख रखा है जैसा है कि नहीं। उसके बाद है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है, ये जो प्रोसेस है ऑडिट की, उसे क्या कहते हैं, ऑडिटिंग। उसके बाद ऑडिटर के बारे में है कि ऑडिटर क्या है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है,
एक इंडिपेंडेंट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, वो एग्जामिन करता है। क्या एग्जामिन करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उनको वेरीफाई करता है कि जैसा उन्होंने लिखा है ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, वेरीफाई और उसकी एक्यूरेसी को चेक करके फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करता है। तो आई होप ये आपको ऑडिट एंड ऑडिटिंग और ऑडिटर समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को हम टू पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ होते हैं सेकेंडरी। यानी कि ये जो प्राइमरी हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव में हम देखें तो क्या है, सबसे पहले एग्जामिन करना। क्या एग्जामिन करना? एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वेरीफाई करना, वेरीफिकेशन जिसको कहते हैं, इनको वेरीफाई करना। और दूसरा है एक्सप्रेस करना उनका ओपिनियन, अपना ओपिनियन देना कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ये इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गए। अब ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, इनके पूरा होते ही सेकेंडरी यानी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो अपने आप ही डिटेक्ट हो जाते हैं। किस तरह से? ये कि ये ऑब्जेक्टिव जो हैं इनके पूरा होने से ये अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो सेकेंडरी में क्या आएगा? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को डिटेक्ट करना और उससे बचना, और उसके बाद डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे फॉलोइंग जो टॉपिक दे दिया और उसमें पूछा गया कि आप बताइए कि इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है या कौन सा सेकेंडरी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पुट हो सकते हैं। तो थोड़ा इसका डिस्क्रिमिनेशन आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे एरर और फ्रॉड के बीच में। जो एरर है वो अनइंटेंशनल है, यानी असावधानी से हो जाती है। अब इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल अकाउंट्स के वो ही पूरे नहीं हो रहे, उसमें कोई असावधानी हो जाती है तो वो क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन है यानी कि भूल गए कि भूल से एंट्री ही नहीं की, पोस्टिंग ही नहीं की, इस वजह की जो एरर होती हैं उनको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। कंपनसेटिंग एरर वो होती है जो एक एंट्री है वो दूसरे को कंपनसेट कर ले, एक एरर दूसरे को कंपनसेट कर ले। यानी हम कहें मोहन के अकाउंट में जो हमें 50,000 लिखने थे और हमने सोहन के खाते में क्या लिखने थे 5,000, और हमने उनको चेंज करके, चेंज हो गए गलती से कि 5,000 की जगह 50,000 लिख दिए और 50,000 की जगह 5,000 लिख दिए, तो ये क्या होगी? कंपनसेटिंग हो गई। इससे कोई एरर जो है टोटलिंग में थोड़ा बहुत कंपनसेटिंग यानी एक दूसरे को कंप्लीट कर रही है, ये क्षतिपूर्ति को पूरा कर रही है। एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन यानी कि एक एंट्री को, एक पोस्टिंग को हमने डबल बार लिख दिया है, एक एंट्री को हमने डबल बार कर दिया है, तो एरर ऑफ डुप्लीकेशन हो गया है। और एरर ऑफ कमीशन यानी कि टोटल पोस्टिंग में इन सब में गलती करना, ये सब जो एरर्स हैं ये अनइंटेंशनल है और ह्यूमन बिहेवियर के कारण हो जाती हैं। और जो फ्रॉड है, ये फ्रॉड क्या है? इंटेंशन से किए जाते हैं। ये आप स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है इधर, इंटेंशनल आएगा। ओके, ये आर नहीं आएगा, आप इसको कट कर दीजिए, इंटेंशनल। ओके, एंड इन फ्रॉड में क्या आ गया? मिसयूज ऑफ कैश का मिसयूज कर लिया, और मैनिपुलेटिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया, गलत फ्रॉड जो है रिसिप्ट्स दिखा दी गई हैं कि इतना खर्चा हुआ है इस तरह से टैक्स से बचने के लिए, इस तरह के जो मैनिपुलेट करने, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, ये किस में आता है? फ्रॉड्स में। तो आई होप आपको एरर्स और फ्रॉड में डिफ्रेंशिएट हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ ऑडिट के बारे में। अब ऑडिट की जो टाइप है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कुछ है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट के बेस पे टाइप को बांटा गया है, और बेस ऑन टाइम के बेस पे, और बेस ऑन अथॉरिटी के बेस पे। तो सबसे पहले देखिए अथॉरिटी के बेस पे क्या है? स्टेटरी ऑडिट है, प्राइवेट ऑडिट है, गवर्नमेंट ऑडिट है, और इंटरनल ऑडिट है। ये क्या है? अथॉरिटी के बेस पे इनको इस तरह से डिवाइड किया गया है। उसके बाद टाइम के बेसिस पे देखें तो कंटिन्यूसली जो लगातार चलता रहेगा ऑडिट, वो इंटरिम जो दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो ऑडिट होती है, वो फाइनल ऑडिट जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो ऑडिट होती है, और ओकेजनली ऑडिट कभी कभी बीच में ऑडिट जब हो जाती है ओकेजनली कि
आकस्मिक रूप से कर दी जाए, ओके, तो वो ऑडिट जो है ओकेजनली ऑडिट कहलाएगी। और उसके बाद हम देखें बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट के बेस पे, अगर हम कॉस्ट को ऑडिट करें तो कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट के जो ऑपरेशंस हैं उसमें हम इफ़िशेंसी प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं तो मैनेजमेंट ऑडिट, और परफॉर्मेंस को देख रहे हैं तो परफॉर्मेंस ऑडिट, और सोशल पे इम्पैक्ट देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है तो सोशल ऑडिट, और एनवायरमेंट पे इफेक्ट देखते हैं एनवायरमेंटल ऑडिट कहलाती है। और नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, जो ह्यूमन रिसोर्स के फैक्टर को देखती है उनके कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या स्टेप लिए हैं और किस तरह से मैनेज वो कर रही है। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव के बेस पे ये हमने इनको पढ़ा, इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप इसका डिस्क्रिमिनेशन ध्यान से देखिएगा, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, बेस्ड ऑन टाइम कौन कौन से, और बेस्ड ऑन अथॉरिटी कौन कौन से हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने वन बाय वन जो ऑडिट के टाइप हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। तो ये देखिएगा आप, सबसे पहले प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट कौन से हैं, वो ऑडिट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हो रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और थ्रू एन एग्रीमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन, एक एग्रीमेंट के थ्रू। आप एग्रीमेंट देखिए, जो पर्सनल ऑडिट होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है और वो किसी ऑडिटर को अपॉइंट करती है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, और वो जो ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उस ऑडिट को क्या बोलते हैं, प्राइवेट ऑडिट बोलते हैं। जिसमें एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोपरशनशिप है, और HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये सब किस में के किसके एग्जांपल होंगे, प्राइवेट ऑडिट के। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेटरी ऑडिट। स्टेटरी ऑडिट क्या है, बाय लॉ ऑडिट जो है कंपल्सरी कर दी गई है किसी बाय लॉ के तहत, और जैसे पब्लिक कंपनी में होता है, ट्रस्ट में है, और बैंक में है, इनमें जो जैसे बैंक में बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ऑडिट कराना जो क्या कंपलसरी है, इस तरह से जो ऑडिटरी बाय लॉ होती है और कंपलसरी टाइप की है उसको क्या बोलते हैं, स्टेटरी ऑडिट। और गवर्नमेंट ऑडिट कौन सी हो गई, जो ऑडिट किसकी, स्टेट और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी जो ऑडिट होती है उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट। और उसके बाद है कंटिन्यूस ऑडिट, यानी कि ऐसी ऑडिट जो ऑनगोइंग प्रोसेस यानी कि चलती रहती है, पूरे वर्ष भर चलती रहती है, उसके बाद चलती रहती है। ये इसलिए होती है कि जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर में ऐसा होता है कि कंटिन्यूस ऑडिट है क्योंकि कैश का बहुत इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, तो उसमें रेगुलरिटी बनी रहती है कि कैश का मिसयूज़ ना हो या फिर कुछ गलत एंट्री वगैरह नहीं हो, तो उसमें क्या है, कंटिन्यूस ऑडिट रहती है। उसके बाद है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट वो ऑडिट है जो कि ईयर एंड होने से पहले होती है, यानी कि दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो ऑडिट की जाती है वो उसे बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। और पीरियोडिकल, एनुअल और फाइनल ऑडिट वो है जो आफ्टर द ईयर एंड, ईयर के ख़त्म होने पे जो ऑडिट की जाती है उसको क्या बोलते हैं, फाइनल ऑडिट। ओके, इसमें ये आपके तीनों नाम देख के अलग अलग कंफ्यूज कर सकता है, तो ये तीनों नाम इसी के ही हैं। इंटरनल ऑडिट क्या होगी, मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एक इंटरनल पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करती है और वो कंपनी का ऑडिट करता है, और वो कंपनी का ऑडिट, ये ऑडिटिंग किस लिए करवाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस एक्टिविटी उसको जानने के लिए या इफ़िशेंसी इनको जानने के लिए क्या करती है, इंटरनल ऑडिट करवाती है कि किस तरह का कोई हमारा जो प्रोसेस है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरनल ऑडिट ऐसे होती है कि जैसे हमारे ऊपर कोई, जैसे एक पर्सन है उसके ऊपर कोई अथॉरिटी है तो उसका जो काम है उसको नेक्स्ट वाला चेक करेगा, सुपरविजन उस ऊपर सुपरवाइज़र है वो चेक करेगा, तो इस तरह से क्या है, इंटरनल ऑडिट भी चलती रहती है। और इसके बाद है ये जो बैलेंस शीट ऑडिट है, ये ऑडिट किसकी होगी, बैलेंस शीट की होगी। और बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, एक होता है एसेट्स होती है, एक साइड होता है लाइबिलिटीज़, तो इनकी जो ऑडिट होती है वो बैलेंस शीट ऑडिट कहलाती है। उसके बाद हम बात करें कॉस्ट ऑडिट की, जो कॉस्ट अकाउंट्स की ऑडिट होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। और मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट और जिसको इफ़िशेंसी ऑडिट भी बोलते हैं, इसमें रिव्यू किया जाता है, एनालाइजिंग किया जाता है किसका, मैनेजरियल फंक्शन का, इसलिए ये ऑडिट की जाती है कि मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी इफ़िशेंसी कैसी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इफ़िशेंसी कैसी है, किस तरह से इकोनॉमिकली फैक्टर
वगैरह की जो एनालाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, जो मैनेजरियल फंक्शन का रिव्यू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। जो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करें तो एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है, ऑडिट की जाती है उसकी रिगार्डिंग स्टैंडर्ड। सेट गोल्स हो गए, कुछ गोल्स डिसाइड कर लिए और उसके रिगार्डिंग में हम एक्चुअल कितना परफॉर्म कर पाए हैं, उसकी जो अंतर डिफरेंशिएशन देखना और उसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए, इन सब को जब हम रिव्यू करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वो क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट कहलाती है। और ये एनवायरमेंटल ऑडिट जो कि आजकल जो न्यू कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है, इफ़ेक्ट देखती है एनवायरमेंटल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज़। अब कई बिजनेस ऐसे हैं जो एनवायरमेंटल को क्षति पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं, जैसे कई, जैसे ये कॉटन इंडस्ट्री है, इसमें कलर जो किया जाता है उसका डाइन एंड पेंटिंग, जो वो कलर्स होते हैं वो इसी तरह ही बहा दिए जाते हैं, जो कि एनवायरमेंट के लिए काफ़ी, सॉइल के लिए और वाटर के लिए पॉल्यूशन का रीज़न होते हैं। तो उनको क्या है, इफ़ेक्ट देखने के लिए एनवायरमेंट पे उस ऑर्गेनाइजेशन का कितना इफेक्ट है। तो ये जो कम ऑडिट की जाती है कि कितना इस बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज़ का एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल ऑडिट कहा जाता है। और ये बड़ी बात ये वो है कि ये जो है ऑडिट जो है कंपलसरी नहीं है, बल्कि ये कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसे हमें फ्यूचर, इन फ्यूचर बहुत देखने को मिलेगा और आज भी मिल रहा है। तो और सोशल ऑडिट जो है, सोशल ऑडिट की बात करें, सोशल इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखता है ये, सोशल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ऑडिट करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए ये जो काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। अब सोशल इम्पैक्ट जैसे कई बार कुछ ऐसा नहीं हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी को नुकसान हो रहा हो, इस तरह के कुछ इफेक्ट को देखने के लिए ये जो सोशल ऑडिट की जाती है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट में एग्जामिन क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज़ कैसी हैं, प्रैक्टिस कैसे हैं, प्रोसीजर कैसे हैं, इन सब को ऑडिट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट किया जाता है। उसके बाद है एनर्जी ऑडिट, और एनर्जी का इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि एनर्जी जो है लिमिट में है, और उसके बाद उसका इंस्पेक्शन करना, एनालाइज करना एनर्जी के फ्लो को और एनर्जी को कंजर्वेशन करने के लिए ये ऑडिट की जाती है, एनर्जी ऑडिट जो है। उसके बाद है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल क्या है, एक ऑपरेशनल यानी कि सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस को चेक करना और इफ़िशियंसी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के लिए उसकी इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी को रिव्यू करना, ये एक सिस्टमेटिक रिव्यू है ऑपरेशनल ऑडिट। उसके बाद है पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट ये होता है कि कम्प्लीटली हम ऑडिट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक स्पेसिफिक एरिया की ऑडिट कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, पार्शियल ऑडिट कहलाती है। उसके बाद है कैश ऑडिट। कैश ऑडिट में कैश ट्रांजेक्शन का ऑडिट किया जा रहा है एक प्रेस्क्राइब पीरियड के लिए, तो ये क्या है, कैश ऑडिट कहलाती है। और उसके बाद है फाइनेंशियल ऑडिट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट होती है एंड अकाउंट्स की, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। और उसके बाद है ओकेजनली ऑडिट, यानी कि ये जो कंडक्ट होती है रेगुलर बेसिस पे ना होके किसी स्पेशल इवेंट पे की जाती है कंडक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, ओकेजनल ऑडिट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा ऑडिटिंग का, और ऑडिट, उसके बाद ऑडिट क्या है, ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग एक प्रोसेस है, और ऑडिटर कौन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है जो एग्जामिन करता है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वेरीफाई करता है कि ये एक्यूरेट है कि नहीं, और उस पर अपनी एक रिपोर्ट देता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़े, कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर हमने एरर और फ्रॉड्स के बीच में डिफरेंस देखा, और उसके बाद टाइप ऑफ ऑडिट की देखा कि किस तरह से टाइप ऑफ ऑडिट कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से ऑडिट आते हैं। उनके बाद इसका डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऑडिट किस किस तरह से हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा,
और सब्सक्राइब कीजिएगा नए ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।